कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी दोस्त बढ़िया होंगे। और दोस्तों, आज हम जैबरोनिक्स का जैप हम 100 का जो है आउटडोर साउंड परफॉर्मेंस टेस्ट करने वाले हैं। और हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि कैसा ये स्पीकर होने वाला है, इसकी साउंड परफॉर्मेंस आउटडोर में किस तरीके की हमारे को मिलती है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में हमें पूरी जानकारी मिलने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसकी परफॉर्मेंस जो है आउटडोर के लिए कितनी बेहतरीन होने वाली है। इनबिल्ट बैटरी के साथ है, यानी कि आप जो है इसे आउटडोर लोकेशंस पे कहीं भी ले जा करके घूमने फिरने पिकनिक वगैरह के ले जा करके यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए इसकी साउंड टेस्ट करते हैं, और साउंड टेस्ट करने के बाद फिर जो है मैं अपने रिव्यू बताऊँगा कि मुझे इसकी आउटडोर में साउंड परफॉर्मेंस कैसी लगी है। और आपने भी अगर कोई यूज़ किया हो तो ज़रूर से मुझे जो है बताइएगा कि कैसे आपको इसकी साउंड परफॉर्मेंस मिली है सुनने को। इसके अलावा जो मैंने इसका लास्ट वीडियो बनाया था, जिसमें कि मैंने इस बारे में बात करी थी कि इंडोर साउंड परफॉर्मेंस और इसके जो है फिजिकल ओवरव्यू के बारे में, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज़रूर से आप जा करके उसे भी चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब इसका साउंड टेस्ट सुनते हैं और फिर बात करते हैं कैसा होने वाला है ये स्पीकर। Back to my cold apartment, distance sucks, but at least I'm still with you. Whiter skies, middle November, you and I, flights to wherever, I don't mind, as long as it's with you, as long as it's with you. So I'm going mainstream. तो दोस्तों, कैसी लगी आपको इसकी आवाज़, मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। जो मैंने एनालाइज़ किया इसकी साउंड में, यदि आप पिकनिक वगैरह के लिए आप इसे लेके जा रहे हैं तो वहाँ पे फुल ऑन धमाका ये कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त साउंड है इसकी। तो मुझे उसकी साउंड जो है बिल्कुल नो डाउट, कोई ऐसा नहीं लगा कि कोई इफ एंड बट है इसमें। साउंड क्वालिटी वाकई बहुत अच्छी लगी मुझे इसकी, लाउडनेस काफ़ी अच्छी है, साथ ही साथ बेस इफेक्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा है आउटडोर सराउंडिंग के हिसाब से भी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बैटरी बैकअप की इसकी, तो बैटरी बैकअप भी गुड इनफ है आपको जो है पिकनिक वगैरह में। अगर आप ओवर डे चलाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपसे नहीं हो पाएगा कि पूरा दिन तो ये नहीं चला पाएगा, लेकिन हाँ ये है कि 2 से 3 घंटे या हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, ये जो है इतना आपको टाइम दे देगा आपके एक दिन भर के पिकनिक में या आउटडोर उसके लिए यूज़ के लिए। तो वहाँ पर ये इतना मेरे हिसाब से गुड इनफ है। और साउंड क्वालिटी आपने सुनी ली होगी, साउंड क्वालिटी मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी लगी। इवन इसके अलावा अगर आप गैदरिंग में भी हैं बाहर, अगर आप पार्टी वगैरह भी कर रहे हैं तो 10-20-30 लोगों की पार्टी में भी आपको जो है कि ये अच्छा म्यूज़िक प्रोवाइड करा सकता है। तो मेरे हिसाब से आउटडोर के लिए भी इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है, आप ज़रूर से स्पीकर को ले सकते हैं। अंडर बजट वही 5000 to 5500 की रेंज में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाता है ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टोर्स पर, तो मेरे हिसाब से आप ज़रूर से इसे ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक करे बगैर बिल्कुल भी ना जाइएगा। दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिएगा दोस्तों, साथ ही साथ जो है बेल आइकन्स को भी आप दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि जो मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशंस भी आपको मिलती रहें और आप उन वीडियो को जो है टाइमली देख पाएँ। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।